राजगढ़ जिले के जीरापुर सुसनेर रोड स्थित शिव शक्ति धाम मंदिर के पास रहने वाले पीरूलाल पाटीदार की बेटी अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट लेने शासकीय कन्याशाला गई थी। छात्रा के पीछे धर्मेंद्र जाटव नामक युवक आया और उसने छात्रा का बुरी नीयत से हाथ पकड़ा और कहने लगा कि तू मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही है। फरियादी ने शादी करने से मना किया तो आरोपी धर्मेंद्र ने छात्रा के बाएं हाथ की कलाई पर चाकू मार दिया, जिससे छात्रा लहूलुहान हो गई। आरोपी जाते जाते कह गया कि अगर तूने मेरी रिपोर्ट की तो तुझे जान से मार दूंगा। तो उस पेट में चक्कू बढ़ने लगा तो मैंने हाथ आड़ में ले लिया, तो हाथ आड़ में लेने लगी ना तो हाथ काट के और भग गया। तो हमला करने वाला कौन था? धर्मेंद्र जाटव। धर्मेंद्र जाटव ये पहले से परेशान कर रहा था? हाँ, मेरे को पहले करा था, मेरे पापा से बोल दिया था मैंने। फिर उन्होंने एक दो बार मारा भी से मेरे पापा ने, तो समझा भी दिया था, समझ भी गया था, फिर वापस दो तीन महीने से। फिर छात्रा के पिता ने बताया कि पहले भी उसको समझाया गया था लेकिन इस बार उसने ऐसी हरकत कर दी। मारपीट करी, चाकू भरा। किसने? धर्मेंद्र। पहले क्या किया था? मिला कहीं, उसने दो चार बार उसके पीछे पड़ा था जिसमें उसको समझा दिया, जिसके बाद उसको समझ नहीं आई। जीरापुर थाना प्रभारी राम कुमार रघुवंशी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। जो फरियादिया है सीमा पाटीदार, वो आज बाजार में कोई सामान लेने के लिए आई थी और यही जीरापुर का रहने वाला उसका कोई पुराना परिचित लड़का है मुकेश जाटव, वो आया और उससे वो एक तरफा प्यार करता था, इसके चलते उसने उससे कुछ बोला कि भाई तू मेरे साथ शादी कर ले या इस टाइप की कोई बात बोली, जैसे लड़की ने मना कर दिया और उसने उसी द्वेष से और गुस्से में आकर के लड़की के हाथ में चाकू मार दिया जिससे उसको हाथ में चोट आई है। मेडिकल करवा करके प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। हाँ, FIR हो चुकी है 354, 324 और 506 IPC के अंतर्गत क्राइम की। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी धर्मेंद्र ने बताया कि वो युवती से प्रेम करता है, वहीं चाकू मारने की बात से भी वो पलट गया। इसका मेरा प्रेम पसंद था सर, पहले से 5 साल सर, उसने बयान किसी के कहने में आके दिया, मैंने नहीं मारा सर, उसी ने अपना हाथ काट लिया, नहीं मारा सर। कुल मिलाकर ये घटनाक्रम भी पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर पुलिस कितनी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, राजगढ़।